अगर कुछ बनना चाहते हैं तो याद रखें कि फील्ड का स्कोप नहीं होता, टैलेंट का स्कोप होता है। मुलाजिम अगर मालिक की आदतें अपनाए तो वो भी एक दिन मालिक बन जाता है। सीखने की तड़प से दुनिया में तरक्की और इजादात का अमल शुरू हुआ। अल्फाज इतनी ताकत के हामिल होते हैं कि मुकर्ररीन और लीडर उन लफ्जों के इस्तेमाल से लोगों को तहरीक देते हैं। जिंदगी सदियों, सालों, दिनों या महीनों में नहीं बदलती, जिंदगी उसी लम्हे में बदल जाती है जिस लम्हे में आप जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। कमजोर इंसान गिला करता है कि मेरे हालात ही ऐसे थे कि मेरे ख्वाब छिन गए। बहादुर इंसान कहता है, उन्हीं हालात ने मुझे ख्वाब देखने पर मजबूर किया था। बर्दाश्त मत करें क्योंकि हुक्म सब्र करने का है। परेशान रहने से बेहतर है कि कोई मसरूफियत तलाश कर लें और कोई जिम्मेदारी कबूल कर लें, क्योंकि मसरूफ इंसान कम परेशान होता है। अक्सर देखा गया है कि दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद को दूसरी बीवी की नहीं बल्कि एक अच्छे माहिरे नफ्सियात की ज़रूरत होती है। इंसान सीखने पर आए तो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है, और ना सीखना चाहे तो खुद हजार गलतियां करने के बाद भी नहीं सीखता। गलती उससे होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही गुजर जाती है। कायनात के सबसे बड़े सखी पर यकीन आपको सखी बना देता है। सब जैसों में सब जैसा नहीं बनना, खुद को मुनफरिद बनाइए ख्यालात, शख्सियत और आदात के लिहाज से। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा करती हैं। आज का मुश्किल वक्त कल की कामयाबी की वजह बनता है। गुस्सा जहर की मानिंद है और गुस्से का इजहार रिश्तों को जहर आलूदा कर देता है। बड़े ख्वाब सजाएं, क्योंकि जो चीज आपके तसव्वुर में नहीं वो हकीकत का रूप नहीं धार सकती। एक दूसरे से मोहब्बत और इज्जत के जवाज ना ढूंढें, बल्कि एक ही जवाज सामने रखें कि ये भी मेरे रब का बंदा है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो है। कभी कभार अपनी जात के लिए भी मुफ्ती बन जाएं, बहुत से मुफ्तियों के फतवों से बच जाएंगे। मजलिस में अच्छा बनने वाला और तन्हाई में बुरा सोचने वाला मुनाफिक है। तनकीद इंसान के अंदर सोए हुए एहसास को जगाती है। आसानियों की तलाश ज़रूर कीजिए, लेकिन उन आसानियों में दूसरों को भी शरीक कीजिए। इस तरह अल्लाह ताला आपको हमेशा आसानियों में ही रखेगा। इल्म के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आपकी अपनी ज़ात है। जिसको सीखने में शर्म आती है वो कभी इल्म वाला नहीं हो सकता। अपनी लाइल्मी के एहसास को कायम रखें। हर इंसान में एक तड़प और लगन मौजूद होती है, और यही तड़प और लगन उसको अजमत तक लेकर जा सकती है। बस छोटा सा काम ये कर लें कि उस तड़प और लगन को कोई सिमत दे दें। तमन्ना और शौक के बगैर सबका याद होना दरअसल लाइल्मी है। ये वो खाना है जिसे आपने बगैर भूख के खा लिया है। यकीनन ना तो इससे आप लुत्फ अंदोज होंगे और ना ही आप उससे फायदा उठा सकेंगे। अच्छा करना अच्छा कहने से बेहतर है। बाज़ औक़ात रास्ते बंद होते महसूस होते हैं, लेकिन चलने से पता चलता है कि वो खुले हुए हैं। जिंदगी बदलनी हो तो एक जुमले, एक वाक्य और एक उस्ताद से बदल जाती है। ना बदलनी हो तो हजार किताबें, कई दानिश्वर और वाक्यात मिलकर भी आपका बाल बेगा नहीं कर सकते। उस्ताद बजाहिर नालायक बच्चे में फकत ये यकीन पैदा कर दे कि वो लायक हो सकता है तो बच्चे की तकदीर बदल जाती है।
जिंदगी में अगर कभी आप ना उम्मीद हो जाएं, तो फकत एक पुर उम्मीद बंदे को तलाश करें और उसके साथ 10 मिनट गुजार लें। आप जिंदगी की जंग दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। खामोश मेहनत बड़े बंदे की निशानी है। अगर हमें लोगों के साथ डील करना आ जाए, तो हमारी ज़िंदगी के 50% मसाइल हल हो जाएं और हमारी कारकर्दगी 99% बेहतर हो जाए। शुक्र करने वाला बंदा कम पैसों में भी खुश रहता है। खुलूस से मेहनत करने वाले को कोई ना कोई गैर मरई मदद ज़रूर मिल जाती है। हमारे नौजवानों को करियर प्लानिंग और बामकसद ज़िंदगी की अहमियत नहीं बताई जाती, इसलिए वो डिग्रियों के अंबार लगा लेते हैं लेकिन अमली ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। बदनसीबी बड़ी खूबसूरत शक्ल में आती है और हम उसे नहीं पहचान पाते। इसी तरह खुशनसीबी कभी खूबसूरत शक्ल में नहीं होती और हम उसे भी जानने से इनकार कर देते हैं। अमनो सुकून आसमान से नहीं उतरता, ये पैदा करना पड़ता है। माहौल को खुशगवार बनाना पड़ता है। मोहब्बत और इज्जत मांगने से नहीं मिलती, बल्कि ये तो दूसरों को देने से मिलती है। जिन वाक़यात को, जिन लोगों को, जिन नताइज को और जिन हालात को आप मुखलिस होकर वाकई बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए दिल से दुआ करें। अपना जाविया नज़र बदलिए। ज़िंदगी शिकवे करने से नहीं बदलेगी। बच्चे पालना कोई बड़ा काम नहीं। जानवर और परिंदे बड़े बेहतर अंदाज में ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। बड़ा काम बच्चों की तरबियत है और तरबियत तवज्जो और वक्त मांगती है। वो नौजवान जल्दी कामयाब होता है जिसने एक मखसूस मकसद के तहत तालीम मुकम्मल की हो और एक ख़ास शोबे का माहिर हो। लोग मकसद का इंतखाब करते हुए डरते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ रुकावटें नज़र आती हैं। याद रखिए, रुकावटें तब नज़र आती हैं जब आप अपने मकसद से नज़रें हटा लेते हैं। मैं सब जानता हूँ, ये वो फ़लसफ़ा है जो तालिब इल्मों को इल्म का तालिब बनने से रोकता है। अगर आपको यकीन है कि कामयाबी मेहनत से नहीं किस्मत से मिलती है, तो फिर आप मेहनत के लिए कभी तैयार नहीं होंगे और ये यकीन आपको नाकाम कर देगा। वो शख्स आपका मुहसिन है जो आपको ये यकीन दिला दे कि हाँ, तुम कर सकते हो। कामयाबी का सफ़र होता मुश्किल है, चढ़ाई कहाँ आसान होती है, लेकिन बुलंदी पाने के लिए चढ़ाई को तय करना पड़ता है। मंजिल पर पहुंचकर रास्ते की सारी मुश्किलात वैसे ही भूल जाती हैं। दूसरों को बेलौस देना अल्लाह ताला से शुक्रगुजारी की अलामत है। जिस तरह रात के बाद दिन ने खुद बखुद आ जाना है, उसी तरह आपकी बेलौस खिदमत के बाद मालिक ने आपको अपनी रहमत से ज़रूर नवाजना है। जीने का जवाज तलाश कर लीजिए, मुश्किलात बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा। गुरु हाल में मिले तो माजी भुला देता है और मुस्तकबिल संवार देता है। आपकी दौलत और कामयाबी किसी काम की नहीं अगर वो दूसरों की मदद और आसानी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। दोस्तों की तरह किताबों का इंतखाब भी पूरी एहतियात और तवज्जो से करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी किताब आपकी तकदीर बदल सकती है। कभी हालात को अपने मुताबिक ढाल लें और कभी कभी हालात के मुताबिक ढल जाएं और चलते जाएं। अगर आप अपनी कामयाबियों को अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं, तो वो आपके पास भी नहीं रहेंगी। आपकी मेहनत से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर उस मेहनत से पीछे हट जाइए।